नेक्स्ट जो हमारे पास आपको पढ़ाना है वो है आपकी डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेल डिफाइंड सेट्स। अब क्या आता है अभी हमारे पास, वेल डिफाइंड सेट्स। तो वेल डिफाइंड सेट्स को हमें किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले मैं यहां लिख दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं, वेल डिफाइन सेट्स। जी, वेल डिफाइंड सेट्स, अ सेट इज वेल डिफाइंड इफ देयर इज नो एम्बिग्युटी और डाउट एज टू वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट belongs to it. Examples: the set of vowels of English alphabet, the set of planets in the solar system. मतलब क्या हुआ हमारे पास, a set is a well defined if there is no ambiguity or doubt as to whether or not an object belongs to it. Well defined इसे हम कहते हैं कि vowels English की जैसे alphabet के vowels हैं वो किसी से रिलेट नहीं करते, वो बिल्कुल अलग से। जैसे मैं आपको वाउल्स बोलूं तो वो क्या मतलब हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपके सामने नजर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। मुझे आपको जरूरत नहीं है बोलने की ए ई आई ओ यू, जस्ट मैं आपको क्या कहूंगा, अल्फाबेट्स के, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वाउल्स, तो आपको खुद याद होती है बातें। इसी तरह सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं तो आपको पता है बात कि उनके सेट्स होते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम्स के आपको पता है ये आसमान पर होते हैं और उसको हम, उसके सेट हम बनाते हैं अलग अलग सोलर सिस्टम के प्लैनेट को हम डिफाइन करते हैं सेट में। और नॉट, एक तो हमने वेल डिफाइंड सेट पढ़ लिया और एक और सवाल आएगा आपके पास जहन में, उससे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं, नॉट वेल डिफाइंड सेट्स क्या होंगे भाई, जी जी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपके लेक्चर में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो नॉट वेल डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं आपके पास, द सेट्स विच आर नॉट क्लियर एंड हैविंग एम्बिग्युटी नोन एज नॉट वेल डिफाइंड सेट्स। एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, अ सेट ऑफ टॉल बॉयज इन योर स्कूल। बट जिसको हम डिफाइन ना कर सकें वो नॉट वेल डिफाइंड है, और जिसको हमने डिफाइन कर दिया वो वेल डिफाइंड है। मतलब आपको ये बात पता है, अभी दिन और दिन है तो वो दिन क्या होगा, इसका मतलब है कि सूरज निकला होगा, तो ये जरूरत नहीं है बोलने की दिन है और सूरज भी निकला हुआ है, ठीक है, अब इसका हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्टिंग बुक्स, मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, तो आपको नाम बताना पड़ेगा मुझे कि इंग्लिश की बुक्स हैं, उर्दू की बुक्स हैं, इस्लामियत की बुक्स हैं, ठीक है, तो वो मुझे आपको वेल डिफाइंड नहीं किया, मैंने आपको सिंपल कह दिया इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इंटरेस्टिंग बुक्स कोई भी हो तो मैंने आपको बताया नहीं उसका नाम, उसका नाम बताना बहुत जरूरी है। इसी तरह अ सेट ऑफ टॉल बॉयज इन योर स्कूल, मैंने कह दिया आपके स्कूल में जितने टॉल बॉयज हैं उनका सेट बना ले, तो भाई आप पूछेंगे ना कि क्या, कौन से टॉल बॉयज, कितनी हाइट के, तो हाइट उसकी डिफाइन नहीं की है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। जिसमें पूरी बात ना हो रही हो उसको हम नॉट वेल डिफाइंड कहते हैं, और जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड सेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1A की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1A में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कहता है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं 1-7 जो हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कराएंगे। आज का लेक्चर नंबर 1 क्लास 6 का यहाँ पे एंड करते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और मैंने आपको इसका लेक्चर अपलोड कर दिया है पीडीएफ की शक्ल में, आपको मिल जाएगा, आप आके स्कूल से ले सकते हैं।
और अपनी कॉपी में इसको आप राइट डाउन करेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अपनी कॉपी आप प्रिपेयर करेंगे और ताकि मैं आपकी कॉपी को चेक करूं और उसके मुताबिक आपको नंबर मिल सके। ठीक है, थैंक यू, यहाँ तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।